हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पालक के पकौड़ी की रेसिपी। इसे पालक भजिया या फिर पालक के पकौड़े भी कहते हैं। वैसे तो ये पालक के पकौड़े कई तरीके से बनाए जाते हैं, पर आज हम इन्हें सबसे आसान तरीके से एकदम टेस्टी और परफेक्ट बनाएंगे। तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जालीदार और एकदम सॉफ्ट ये पालक के पकौड़े आप कभी भी चटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पालक के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 कप बेसन और उसी के साथ डालेंगे 1/4 कप दरदरा गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने बाकरी बनाने में जो आटा यूज करते हैं वो ही लिया है। आप इसकी जगह 1/4 कप सूजी भी ले सकते हैं। तो बैटर में इस गेहूं का आटा या फिर सूजी लेने से पालक के पकौड़े लंबे समय तक बाहर से क्रिस्पी रहेंगे। फिर डालेंगे 1.5 कप कटी हुई पालक और साथ में डालेंगे कटा हुआ धनिया। फिर डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और 3 बड़ी चम्मच दही। तो यहाँ पे दही डालने से पकौड़े सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। फिर डालेंगे 1 चम्मच रफली क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1/3 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/3 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच सौंफ। तो यहाँ पे सौंफ और काली मिर्च का पकौड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ये दोनों चीज़ें स्किप ना करें। इसके बाद डालेंगे 1/2 नींबू का रस। आप यहाँ पे नींबू के रस की जगह 4-5 दाने नींबू के फूल यानी कि साइट्रिक एसिड के भी ले सकते हैं। फिर हल्के कलर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो आप इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही डालें वरना पकौड़े ज़्यादा कलर ले लेंगे। फिर डालेंगे 1/3 चम्मच हींग और थोड़ा सा नमक। तो आप नमक ध्यान से डालें क्योंकि पालक ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। फिर लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को एक बार मिक्स कर लेंगे। आप इस मिक्सर में इन चीज़ों के अलावा 1 चम्मच अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस मिक्सर में हमने दही यूज़ किया है और साथ में पालक भी अपना पानी रिलीज करेगी, इसलिए हमें ज़्यादा पानी मिलाना नहीं पड़ेगा। अभी बैटर बहुत थिक है इसलिए थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे और बैटर को मिक्स कर लेंगे। फिर इस बैटर में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच पीसी हुई चीनी, क्योंकि चीनी में आगे डालना भूल गई थी इसलिए अब मिला रही हूँ। तो आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है और बैटर भी हमें इसी टाइप का रखना है। इसके बाद बैटर को 15 से 20 मिनट रेस्ट करने देंगे ताकि बैटर में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। 20 मिनट के बाद दूसरी ओर ऑयल को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर में मिलाएंगे 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा और साथ में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच गरम तेल। तो यहाँ पे आप गरम तेल ही लें क्योंकि इससे पकौड़े खाने में एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। और आप तेल और बेकिंग सोडा पकौड़े फ्राई करने के जस्ट पहले ही डालें। तो अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और बैटर हमारा रेडी है। तो पहले ऑयल चेक कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा बैटर लेके ऑयल में डालेंगे। तो ये डालते ही ऊपर आ गया है यानी कि ऑयल अच्छे से गर्म है। इसके बाद आपको जिस किसी भी साइज़ के पकोड़े पसंद हैं उतना बैटर हाथ में लेके उन्हें सीधा ऑयल में डालेंगे। तो यहाँ पे पकोड़े डालते वक्त हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है क्योंकि अगर फ्लेम लो होगी तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। और आप एक बारी में जितने पकोड़े ऑयल में आ जाते हैं उतने डाल सकते हैं।
इसके बाद पकौड़ों को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई रखनी नहीं है, वरना पकौड़े बाहर से तो कलर चेंज कर लेंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो लगभग 3 मिनट के बाद पकौड़े फ्राई हो गए रेडी है और पकौड़े के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे तो लग रहे हैं ना एकदम मज़ेदार। और उसी तरह से बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारे इस बैच के पकौड़े भी रेडी है। मैं इनका अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। तो मैंने आज पकौड़ों को सर्व किया है टोमेटो केचप, प्याज और फ्राई ग्रीन चिली के साथ, पर आप इन्हें अकेले या फिर इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी एकदम इजी और क्विक पालक के पकौड़े की रेसिपी को एक बार घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपके पकौड़े कैसे बने। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।